वो शहनाई की आवाज, वो हल्दी का उपटन, वो रिश्तेदारों की भीड़ भाड़, वो नए कपड़े और बढ़िया सा खाना। हिंदुस्तान की शादी में अगर ये ना हो तो फिर हिंदुस्तान की शादी नहीं हो सकती। और इन सब चीजों के साथ हमारी शादियों में होते हैं वो बड़े छोटे रीति रिवाज, और हर उस रीति रिवाज के साथ जुड़ा हुआ एक अपना सा खाना, कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ जाना, कुछ अनजाना। तो इस हफ्ते शादी का जश्न मनाते हैं। वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता। पाठारे प्रभु समुदाय में जब जवाब आता है ना, तो एक नारियल आता है और एक ऐसे कोन शेप का डब्बा आता है। अगर नारियल और कोन शेप का डब्बा आ गया तो जवाब में हाँ है, और उसे जवाब ही कहा जाता है। और उस जवाब के बाद हमारी अगली डिश बनती है गुरवड़ी। तो रस्म ये है कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तब लड़के के घर से कोई छोटा बच्चा आता है, छोटा लड़का या छोटी लड़की, और वो बहू को, होने वाली बहू को न्योता देती है कि आप हमारे घर आइए। और उसके बाद लड़की लड़के के घर जाती है। लड़के की माँ अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, लेकिन गुरावड़ी ज़रूर बनाती हैं। और गुरावड़ी जब खोलती है लड़की, तो उसमें फूल निकलता है। कहने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ आइए और हमारे घर में सुख है, समृद्धि है, हम आपको खुश रखेंगे और इन फूलों की तरह आप महकेंगी। तो वैसे तो इसे बगैर घी के भी भून सकते हैं, लेकिन थोड़ा घी तो मैं डालूंगा। ये आ गया घी। अच्छा, लालच लालच में ज्यादा मत डालिएगा, क्योंकि इससे ना वो पूरी की फिलिंग बननी है जिसके अंदर में फूल होगा, तो अगर ज्यादा डाल दिया तो संभलेगी नहीं पूरी। इलायची पाउडर डाला है। चलिए जी, तो अंदर की फिलिंग तो बन गई, अब बाहर का मैदा गूंथ लेते हैं। तो मैदा, तो 2 कप मैदा, 2 कप मैदे में 1/4 कप सूजी, और उसके बाद सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, अब किसी भी कचौड़ी की तरह इसको मोइन लगाना है, थोड़ा सा नमक, अब 2 ना ज्यादा नरम और ना ज्यादा टाइट, बस हो गया। बस बाकी ढल जाएगा, ढल जाएगा तो गल जाएगा, गल जाएगा तो तल जाएगा। फिलिंग निकाल लेता हूं। अब तो दो तैयार, पेड़े कटेंगे, कचौड़ी बनेगी और तली जाएगी। और पहले सूखे खानों का जो कल्चर था ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये सारे खाने यहाँ तो दुल्हन अपने साथ वापस अपने घर लेके आती थी, और घर ऐसे तो नहीं होता था कि एकदम से फ्लाइट में बैठे और आ गए, तो समय लगता था। तो इसलिए तले हुए सूखे खाने शादियों में हमेशा बनते थे। और पाठारे प्रभु कम्युनिटी में ऐसे ही रूखे खानों से शब्द बना है रुखवत। एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र में है रुखवत। तो उसमें दुल्हन को बहुत सारे ऐसे रूखे यानी कि ड्राई खाने मिलते थे, जो कि उसके साथ एक तो ससुराल पहुंचने तक चले और उसके बाद काफ़ी टाइम चले, ताकि जब भी घर की याद आए तो रुखवत में से कुछ निकाल के या तो खा ले या तो बना ले। अब जैसे उसमें चीनी के खिलौने होते थे, ऐसी कचौड़ियाँ होती थी, यानी कि जब दुल्हन को मायके की याद आए तो रुखवत खोल ले। ऐसे कप बना के कप के अंदर ये फिलिंग डाल दी, और ये फिलिंग को ऐसे भर दिया।
ये लीजिए, फिलिंग डालते जाना है। तो अब ये गुरवड़ी को बेल लेते हैं। अब इसमें क्या है ना, हर पूरी या कचौरी फूलनी चाहिए, वरना फूल कैसे आएगा अंदर। ये हल्का हल्का जो तेल डालने की तकनीक है ना, ये बहुत काम आती है। शुरू में थोड़ा डर लगता है, लेकिन अगर एक बार ये तेल डालने की तकनीक बैठ गई तो 90% पूरी के फूलने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब जो हमने फिलिंग में थोड़ा सा रवा डाला था ना, जो थोड़ा बहुत भी पानी होगा ना फिलिंग का, वो रवा खींच लेगा। नहीं तो ये हो जाता कि भाई पूरी दिखने में तो पक गई, बाद में शक्कर ने अपना पानी छोड़ दिया और अंदर से गीली हो गई। खसखस, रवा, ये दोनों पानी खींच लेंगे, ठीक है ना। खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये तो बन गई पूरी, और पूरी को ठंडा करने के बाद अब ये रात में लड़की की जो होने वाली सासू माँ होती थी ना, वो बनाती थी। वो फूलों की कलियाँ लेती थी, और मोगरे की जो कलियाँ हैं, अब पूरी में दो साइड होती हैं, एक पतली साइड और एक मोटी साइड। जो मोटी साइड में छेद करके चुपके से छुपा के और ये कलियाँ डाल दी जाती थी, और अगले दिन सुबह तक ये फूल की कलियां खिल जाती थी। और सुबह सुबह जब होने वाली दुल्हन ये पूरी खोलती थी तो उसे अंदर से खिले हुए फूल निकलते थे। क्या खूबसूरत थॉट है ना। अब उस चीज़ को सिर्फ रिक्रिएट करने के लिए, दोबारा क्रिएट करने के लिए और समझने के लिए कि दुल्हन को कैसा लगता होगा, मैं पूरे फूल डाल देता हूँ। तो भाई मैं दुल्हन तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा है कि दुल्हन को कैसा लगता होगा ये जानने का। समृद्धि की निशानी है ना खुशबू, फूल, घी। और साथ में वो बताशे, मैं बताशा खाता हूं। आप रेसिपी देख लीजिए, अपनी बहू के लिए बनाइएगा। गुरवली बनाने के लिए एक पैन में कद्दूकस किया हुआ नारियल, सूजी और देसी घी को भूनकर पैन को गैस से निकाल लें और उसमें इलायची पाउडर और पिसा हुआ चीनी डालकर इसका फिलिंग बना लें और कटोरे में रख दें। दूसरे कटोरे में मैदा, सूजी, देसी घी, नमक और पानी डालकर गूंद लें। अब गूंदे हुए मैदे का पेड़ा बनाकर उसमें फिलिंग को भर लें और फिर उसे बेलकर तेल में तल लें। गुरवली तैयार है। अब मोगरे के फूल को गुरवली के अंदर डालें और बताशे के साथ परोसें। अब एक और रिवाज की बात करें, कढ़ी चावल का रिवाज या कढ़ी पूड़ी का रिवाज कह लीजिए। सिंधियों में क्या होता है कि शादी से 2-3 दिन पहले जब लड़की वाले लड़के वालों के शहर आते हैं तो लड़के की बहनें लड़की वालों के घर जाती हैं और खाना लेके जाती हैं। उसे कहते हैं दावड़े जो सुगन। उस खाने में कढ़ी पूड़ी और चावल जरूर होता है, और वो कढ़ी होती है ड्रमस्टिक की कढ़ी। दूसरा, अगर लड़की वालों और लड़के वालों में जान पहचान बनानी हो तो जान पहचान बनाने का सबसे अच्छा तरीका खाना है।
कहते हैं कि एक बार आपने किसी के हाथ का खाना खा लिया तो आप उसको और उसके परिवार को वैसे ही समझ जाते हैं। तो ये जो कड़ी है ना, इसकी जो ग्रेवी है उसे ट्रेडिशनली सिंधी में दाग की ग्रेवी कहते हैं। दाग की कड़ी मतलब प्याज को अच्छे से भून के एकदम लाल करके और उसके बाद उसकी बनी हुई कड़ी। अब ये कुकर में भी बनती है और कढ़ाई में भी। मैं कढ़ाई में बना रहा हूं और प्याज बहुत सारा। तेज पत्ता और कुछ नहीं डालना। कुछ लोग लौंग भी डाल देते हैं, दालचीनी भी डाल देते हैं, बट जो दाग की ग्रेवी असल बनती है ना, दाग की करी, उसमें सिर्फ प्याज और तेज पत्ता। अच्छे से ब्राउन करना है इसको, और प्याज ज्यादा बारीक नहीं काटना, जैसे मैंने मीडियम साइज का काटा है ना डाइस, वैसे ही काटना है इसको। अब जैसे एक चावल बनते हैं बुग्गे चौल, उसमें क्या है, प्याज को ब्राउन करके फिर चावल को साथ में भून के, ताकि जब चावल और प्याज बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो जाए और उसमें पकाया जाता है, और बहुत खूबसूरत मीठा मीठा जायका आता है। ये गए टमाटर। प्याज को इतना ब्राउन करना है, अच्छा डार्क ब्राउन, और गैस तेज करके मसाले डाल देने, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। हल्दी की जो शक्ति है ना, वो करक्यूमिन से आती है। करक्यूमिन हल्दी को रंग भी देता है और खुशबू, और हर वो हल्दी जिसमें करक्यूमिन ज्यादा है आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है और जायके के लिए। अब इसमें ये गया आलू और ये ड्रमस्टिक्स, पानी। अब इस कड़ी को या तो चावल के साथ खाते हैं या पूड़ी के साथ खाते हैं, लेकिन शादी के टाइम पूड़ी के साथ ही खाते हैं, और शादियों से पहले जब लड़के वाले लड़की वाले के घर ये लेके जाते हैं ना, तो पूड़ियां साथ में जाती हैं। बस मेन चीज क्या है ना इसमें, अगर दाग समझ में आ गया, दाग मतलब प्याज को ब्राउन करके टमाटर डालने की तकनीक समझ में आ गई, तो समझ लीजिए ये कड़ी समझ में आ गई। अब जैसे ये पक जाएगा, बीच में मैं डाल दूंगा भिंडी। अब रह गई भिंडी। और ये गई भिंडी। भिंडी 2 मिनट में पक जाएगी, बस ढक्कन लगाया, मैं पूड़ी लेके आया और भिंडी पक गई। तो ये जो डब्बे का शगुन होता है ना, दाबड़े जो सुगुन, जो शिकारपुरी सिंधी होते हैं, जब दूल्हे की बहनें लेके जाती हैं, उसके बाद उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बख्शीश मिलती है, इसके लिए दूल्हे की बहनें हमेशा तैयार रहती हैं कि बस मुझे पूड़ी दो, कड़ी दो, और हम फटाफट जा रहे हैं दुल्हन के घर। एक बार दोबारा देख लीजिए, आपका शगुन ना रह जाएगा। सिंधी कड़ी बनाने के लिए कढ़ाई में देसी घी में तेज पत्ता और प्याज डालकर भून लें। प्याज भूरा हो जाने के बाद उसमें टमाटर, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डालकर मिला लें। अब कढ़ाई में आलू, सहजन, पानी और भिंडी डालकर कड़ी में पकने दें। सिंधी कड़ी तैयार है, इसे पूरी के साथ परोसें। वैसे तो बॉलीवुड ने गोवा की शादियों को बहुत फेमस किया है, लेकिन गोवा की शादियों का खाना, उसकी बात बहुत कम होती है। गोवा की शादियों के खाने की बात करते हैं और एक डिश बनाते हैं जो मेरी फेवरेट है, और ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं है, और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में वो चलने वाली डिश है। और कुछ नहीं है इसमें, चने की दाल है, शक्कर है, नारियल है,
और सिर्फ इलायची का पाउडर। तो भाई गोवा में एक रस्म होती है दोस, और दोस की रस्म पे दोस बनती है, यानी कि दोस की मिठाई। और ये बड़ी कंपलसरी है कि अगर दोस की रस्म है शादी से एक दो दिन पहले होती है, वहां पर ये मिठाई बने। अब नारियल और चने को मैं पीस लेता हूं। आज इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है। तो दोस्त में क्या होता है कि सारे लड़की वाले और उनके रिश्तेदार आते हैं, शादी से कुछ दिनों पहले खाना बनाते हैं एक साथ, मिलजुल के खाना खाते हैं, नाचते गाते हैं, और उसमें ये मिठाई बनाते हैं। और ये मिठाई जो है वो लड़के वालों के घर जाती है, और जब ये मिठाई लड़के वालों के घर जाती है तो लड़के वाले फिर ये मिठाई लेके अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं। तो एक तरह से रिश्तेदारों के मिलने से पहले दोस्त के जरिए सब लोग मिल लेते हैं। अच्छे से भूनना, एकदम उसको पीस पीस के गला लेना है। भुनाई अच्छे से होनी चाहिए। घी और डाल देता हूँ, दाल है सब घी पी जाएगी। और दूसरा वो नारियल का तेल भी निकल रहा है ना, तो नारियल का घी भी धीरे 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 मिक्स होता रहेगा। मुझे ना गोवन खाने की ये सिंप्लिसिटी बड़ी सुंदर लगती है। अब बाहर अगर ये बन रहा होता ना तो शक्कर की अलग से चाशनी बनती, चाशनी को पकाया जाता, फिर साफ किया जाता, उसके बाद छान के डाला जाता, फिर पकाया जाता, यू नो, और एक तार दो तार देखी जाती। गोवा में क्या है, सादगी है, मजा है, खुशी है, और शादी में यही होना चाहिए। सादगी, मजे और खुशी एक साथ, शक्कर डाली और पकाते रहो और बातें करते रहो रिश्तेदारों के साथ। अब ये सिर्फ घी नहीं छोड़ रहा बल्कि नारियल भी पक रहा है, और नारियल का भी जो तेल है ना वो खुशबू और घी दोनों छोड़ रहा है। मीठा जो है ना अपने आप चेहरे पे खुशी ला देता। नहीं देखिए, मेरे हिसाब से तो हो गया है ना, इलायची का पाउडर, अब दो तरीके हैं, या तो मैं इसको ट्रे में डाल दूं और बर्फी की तरह सेट करके काट लूं, या फिर ऐसे डोम बना दूं। तो डोम वाले मोल्ड है मेरे पास। अब डोम वाली शेप जो है ना, वो जो गोवन कैथोलिक होते हैं वो ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि केक जैसा लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि दोस्त के केक भेजे हैं होने वाले दूल्हे के घर। थोड़ा घी, गोवा हो या पंजाब, शादियों का पेट्रोल तो घी है। जो इसकी बाइंडिंग है ना, घी और शक्कर से वैसे ही आ जाती है। ये आपके साथ भी होता है ना अक्सर, एक्चुअली सीखा तो मैं आपसे ही हूं कि अंदाजा ऐसे लगाओ कि ज्यादा बच ना जाए। कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी, कुछ माँ ने अंदाजे की जो प्रैक्टिस करवाई है वो, लेकिन वेस्ट नहीं होगा ज्यादा। इसको बाहर छोड़ देता हूं, ठंडा हो जाएगा, तब तक प्लेट व्लेट लेके आता हूं, फिर प्लेटिंग भी हो जाएगी। हल्का सा दबाया और निकल गया ये, सुंदर है ना, एकदम केक जैसा। अब शादी का टाइम है तो बताशे तो कंपलसरी है ना। अलग अलग कैंडीज यूज करते हैं लोग,
इसे गार्निश करने के लिए ना, तो उसको केक जैसा बनाने के लिए, बट आज जो है बताशे का दिन है। अच्छा, ये आपका यहाँ पड़ा है और मैं ये लेके जा रहा हूँ लड़के वालों के पास। मैं ये तो पक्का हो गया कि मैं हूँ लड़के वालों की साइड से। मैं जा रहा हूँ, आप देख लीजिए रेसिपी कैसे बनी। दोस्त बनाने के लिए सबसे पहले भिगोए हुए चना दाल और कद्दूकस किए हुए नारियल को मिक्सर में पीसकर इसका पेस्ट बना लें और कटोरे में निकाल लें। उसके बाद एक कढ़ाई में देसी घी, चना दाल और नारियल के पेस्ट को भून लें। अब उसमें दोबारा देसी घी, चीनी मिलाएं और फिर उसमें इलायची पाउडर डालकर पकने दें। अब मोल्ड में थोड़ा देसी घी लगा के मिश्रण को डाल लें और फिर इसे मनचाहा आकार देकर कुछ देर ठंडा होने दें। दोस्त तैयार है, इसे बताशे के चूरे के साथ परोसें। ये ना शादी के पहले की नोक झोंक अटखेलियां बड़ी अच्छी लगती है ना, लड़की वाले लड़के वाले वो मजाक। लेकिन जब सारे मिलके खाने के ऊपर बैठते हैं ना, तो ना कोई लड़की वाला रहता है ना कोई लड़के वाला, सिर्फ एक चीज रहती है, रिश्ता। मतलब कुल मिला के ये कह लीजिए कि खाना सिर्फ रिश्ता जोड़ता है।